किंग ऑफ ए लार्जर एम्पायर बड़े से राज्य के रा राज्य के राजा को हम एम्पायर बोलते हैं इस पैलेस आर द मोस्ट ब्यूटिफुल गार्डन इन द वर्ल्ड उसके पैलेस का जो गार्डन था वो दुनिया का सबसे ब्यूटिफुल गार्डन था मोस्ट ब्यूटिफुल इज सुपर लेटिव ऑफ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल मोर ब्यूटिफुल मोस्ट ब्यूटिफुल तो क्या था इसका इसके पैलेस का गार्डन मोस्ट ब्यूटिफुल गार्डन इन द वर्ल्ड दुनिया का सबसे ब्यूटिफुल गार्डन द गार्डन एंडेड फॉरेस्ट और ये गार्डन कहाँ पे एंड हो रहा था एक थिक फॉरेस्ट के पास में थिक वॉट इज अ थिक फॉरेस्ट गाना फॉरेस्ट इन वन ऑफ द ट्रीज ऑफ द फॉरेस्ट लिव्ड ए नाइटिंग और इन इस फॉरेस्ट के एक ट्री में कौन रहता था नाइटिंग इट्सवीटलीट एवरी वन स्टॉप स्टिल एंड लिसन टू इट्स सॉन्ग ये इतना मीठा गाती थी कौन ये नाइटिंग हर कोई इसका गाना सुन के रुक जाता था और स्टिल हो जाता था स्टिल मीन्स विदाउट एनी मोमेंट कब जब वो इसका गाना सुनते थे ट्रैवलर्स केम फ्रॉम ऑल ओवर दर्ल्ड टू एडमायर द एम्परस पैलेस एंड हिस्स गार्डन हुआ ट्रैवलर्स ट्रावलर्स आर ट्रैवल ट्रैवल मीन्स यात्रा एंड ट्रैवलर्स मीन्स पीपल जो यात्रा करते हैं नो ट्रैवलर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड केम टू एडमायर दैलेस एम्प्रर्स पैलेस एंड हिस्स गार्डन और दुनिया भर से जो यात्री आते थे वो राजा के पैलेस को और उसके गार्डन को एडमायर करते थे एडमायर मीन्स प्रेज करना अप्रीशियट करना हाउ एवर वेन दे हर्ड द नाइटिंगेल सॉन्ग लेकिन जब वो नाइटिंगेल का सॉन्ग सुनते थे दिस सेड दिस इज द बेस्ट ऑफ ऑल जब भी अगर वो नाइटिंगेल का जब वो नाइटिंगेल का गाना सुनते थे वो कहते थे ये सबसे अच्छा है क्या सबसे अच्छा है नाइटिंगल का गाना सुन द एम्पर हर्ड ऑफ द नाइटिंगल जल्द ही एम्परर को भी नाइटिंगल के बारे में पता चला या एम्पर ने भी नाइटिंगेल के बारे में सुना। बर्ड एम्पायर एम्पर ने आई मैंने कभी भी इसके बारे में सुना नहीं है आई कमांड द बर्ड बी बर्ड टू बी ब्रॉट टू माई पैलेस एंड मेड टू सिंग बिफोर मी मैं कमांड करता हूँ मैं ऑर्डर करता हूँ कि बर्ड मेरे पास लाई जाए और मेरे सामने इसको गाना गाने को बोला जाए बट वेयर वॉज द नाइट इंगेल टू बी फाउंड बट वेयर वॉज द नाइट इंगेल टू बी फाउंड लेकिन नाइटिंगेल को कहाँ ढूंढा जाए फाउंड इज फाइंड का पास टेंस नाइटिंगेल को कहाँ ढूंढा जाए नो वन न्यू वेर इट लिव कोई नहीं जानता था नो no का पास न्यू कोई नहीं जानता था कि ये कहा रहती थी एट लास्ट अ पोर लिटिल गर्ल इन द रॉयल किचन सेड आखिरकार में एक पोर लिटिल गर्ल ने रॉयल किचन से कहा जो रॉयल किचन में थी उसने कहा नो व रॉयल किचन रॉयल मीन्स रिलेटेड टू किंग मतलब किंग से किंग के किचन में से एक पोअर गर्ल ने क्या कहा आई नो वेयर द नाइटिंगेल इंगेल लिव्स मुझे पता है कि नाइटिंगेल इंगेल कहाँ रहती है इट लिव्स इन द फॉरेस्ट ये जंगल में रहती है इट सिंग्स मेलोडियसली ये बहुत मीठा गाती है और बहुत सुर में गाती है वेन आई एम टायर्ड टायर्ड मीन्स थक ना जब मैं थक जाती हूँ आई रेस्ट अंडर द ट्रीज एंड लिसन टू द नाइट एंगेल सॉन्ग मैं ट्री के अंडर रेस्ट करने के लिए बैठ जाती हूँ और नाइट का गाना सुनती हूँ सिंगिंग मेक्स मी फर्गेट एवरीथिंग इसका गाना मुझे सब कुछ बुला देता है न क्यों बुला देता है इसको सब कुछ बिकॉज ये बहुत ही मीठा गाती है ठीक है क्यों ये इसको सब कुछ भूल जाता था क्योंकि वो इतना मीठा गाती थी कि वो इसका गाना सुन के खो जाती थी सो द लिटिल गर्ल लेट दू द फॉरेस्ट तो इसलिए क्या किया लिटिल गर्ल ने फॉरेस्ट की ओर आगे आगे बढ़ने लगी हाफ द कोट वेंट विद हर आधा कोर्ट इसके साथ चला गया ना वो कोर्ट मीन जो राजा के दरबार में जो लोग काम करते हैं मंत्री होते हैं और लोग होते हैं उनको हम कोर्ट बोलते हैं हाफ द कोर्ट वेंट हर आफ्टर वॉकिंग ए लॉन्ग डिस्टेंस द गर्ल स्टॉप नियर ए ट्री एक लंबा सा रास्ता चलने के बाद गर्ल एक ट्री के पास रुक गई शी पॉइंटेड टू ए लिटिल ग्रे बर्ड इन द बाउस उसने एक ग्रे बर्ड की ओर पॉइंट किया जो कहाँ थी ऊपर बाउज में ना वॉट आर बाउज बाउज आर लार्ज ब्रांचेज ऑफ ए ट्री बड़ी सी टहनियाँ जो ट्री की होती है उनको हम बाउज बोलते हैं और क्या कहा पॉइंट करके दिस इज़ द नाइटिंगेल ये है नाइटिंगेल और ये उसने बड़े सॉफ्टली कहा बड़े आराम से कहा इट काट बी पॉसिबल एवरी वन सेड इन डिसअपॉइंटमेंट ये पॉसिबल नहीं है ये मुमकिन नहीं है सब ने निराशा में बोला निराश होकर बोला सब कौन जो हाफ द कोर्ट इसके साथ गया था अब क्यों हुए ये निराश क्यों हुए ये डिसअपॉइंट इनको लगा कि ये बोल रहे हैं हाउ डल इट लुक्नी डल लग रही है डल मीन्स जो अट्रैक्टिव ना हो उसे हम डल बोलते हैं लिटिल नाइट इंग सेट द गर्ल आर एम्पर विशेज यू टू सिंग बिफोर हिम और गर्ल ने क्या कहा इससे नाइट से कि हमारे राजा तुम्हारा गाना सुनना चाहते हैं माई सॉन्ग साउंड द बेस्ट इन द फॉरेस्ट रिप्लाइड द नाइट लेकिन नाइट ने क्या रिप्लाई किया मेरा गाना सबसे अच्छा फॉरेस्ट में ही इसकी साउंड जो है ये जो सुनने में है ये सुनने में सिर्फ फॉरेस्ट में सबसे अच्छा लगता है बट आई विल कम टू द पैलेस लेकिन मैं पैलेस आऊंगी बिकॉज द एम्पर वॉन्ट्स मी टू क्योंकि हमारे राजा ऐसा चाहते हैं सो द नाइटिंगेल वेंट टू द पैलेस इसलिए नाइटिंगेल कहाँ गई पैलेस गई द एम्पर लुक एट द बर्ड एंड ऑर्डर्ड इट टू सिंग द एम्पर ने क्या किया बर्ड की ओर देखा और उसको ऑर्डर किया कि तुम गाना गाओ। The nightingale sang so melodiously that the emperor had tears running down his cheeks। और nightingale ने इतना मीठा गाया, इतना सुर में गाया कि राजा की आंखों में आंसू आ गए और वो आंसू कहाँ से बहने लगे उसके चेक से। ही ordered that the nightingale remain in the palace। और उसने क्या ऑर्डर किया कि ये nightingale पैलेस में ही रहनी चाहिए इट वॉज केप्ट गोल्डन केज एंड गिवन द मोस्ट डिलिशियस फूड इसको कहाँ रखा गया गोल्डन मीन्स सोने का केज मीन्स पिंजरा सोने के पिंजरे में इसको रखा गया और इसको मोस्ट डिलिशियस सबसे टेस्टी फूड दिया गया खाने को द होल सिटी टॉक्ट अबाउट द वडरफुल बर्ड अब पूरा शहर जो था इस वरफुल बर्ड के बारे में बात कर रहा था वेन टू पीपल मेट मीन्स जब दो लोग आपस में मिलते थे वन सेड नाइटिन एंड अदर सेड गेल एक क्या कहता था नाइटिन और दूसरा कहता था गेल दिस बिकेम अ वे ऑफ ग्रीटिंग ये ग्रीट करने का तरीका बन गया इस शहर में क्या तरीका बन गया ग्रीट करने का अगर दो लोग मिलते थे एक कहता था नाइटिन दूसरा कहता था गेल यूजअली लोग कैसे करते हैं ग्रेट, ग्रीट एक दूसरे को हम गुड मॉर्निंग विश करते हैं गुड इवनिंग विश करते हैं नमस्ते या छोटों को हेलो हाय या फ्रेंड्स को हेलो हाय कहते हैं लेकिन यहाँ के लोग कैसे ग्रीट करने लगे एक दूसरे को कि अगर एक नाइटिंग बोलता था तो दूसरा बोलता था गेल One day the emperor received a parcel marked the nightingale. और एक दिन क्या हुआ इस emperor को एक parcel मिला जिसमें क्या लिखा था nightingale. When he opened it, he was astonished. जब उसने ये खोला वो astonished हुआ. Astonished means very surprise, बहुत ज़्यादा surprise हुआ.

जिनमें की लगा की लगाओ तो वो चलने लगते हैं वैसे भी ये गोल्डन की थी गोल्डन नाइटिंगेल थी जो गोल्डन की से चलती थी और क्या हुआ जब इसने इसमें गोल्डन की लगाई तो इट स्टार्टेड सिंगिंग ए ब्यूटिफुल ट्यून और इसने एक बहुत ब्यूटिफुल सा ट्यून गाना स्टार्ट किया थर्टी टाइम्स sang द सेम ट्यून एंड येट इट वॉज नॉट टायर्ड थर्टी टाइम्स इसने सेम ट्यून गाया और फिर भी ये थकी नहीं टायर्ड मीन्स थकना द एम्परर सेड दैट द लाइव नाइटिंग ऑट टू बी शोन दिस वंडर और वर ने क्या कहा राजा ने कहा कि ये जो लाइव नाइटिंग है उसे ये वंडर दिखाना चाहिए उसे ये करिश्मा दिखाना चाहिए बट वेयर वॉज द लाइव नाइटिंग बट वेयर वॉज द लाइव नाइटिंग लेकिन लाइव नाइटिंग गेल कहाँ थी नन हैड नोटिस दैट इट हैड फ्लोन अवे आउट ऑफ द ओपन विंडो बैक टू द फॉरेस्ट किसी ने ये नोटिस ही नहीं किया था कि ये तो वापस उड़ गई थी बैक टू द फॉरेस्ट अपने जंगल की ओर वापस उड़ गई थी वट डज इट मैटर वी हैव द बेस्ट बर्ड आफ्टर ऑल क्या फर्क पड़ता है हमारे पास बेस्ट बर्ड है सेड एवरी वन सब ने क्या कहा कोई फर्क नहीं पड़ता किससे कोई फर्क नहीं पड़ता लाइव नाइटिंगेल के वापस जंगल की जंगल की ओर जाने के लिए वापस जंगल में जाने के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे पास सबसे बेस्ट बर्ड है किसने कहा वहाँ के लोगों ने द गोल्डन बर्ड वॉज मेड टू सिंग अगेन एंड अगेन और गोल्डन बर्ड को क्या किया गया बार बार उसको वो गाना गवाया गया कैसे उसमें की लगाते थे वो गोल्डन की और वो गाने लगती थी अंटिल एवरी वन न्यू इट्स ट्यून्स बाय हार्ट और तब तक जब तक कि हर किसी को इसका जो गाना था इसके जो ये ट्यून्स थे जो इसमें ट्यून बजते थे वो सबको याद नहीं हो गए सो ए होल ईयर वेंट बाय और ऐसा करते करते कितना टाइम हुआ एक पूरा साल हुआ सडनली द एम्परर फेल इल और अचानक से राजा बीमार हो गया इन हिज़ इल्नेस ही लॉन्ग टू हेयर अ मेलोडियस सॉन्ग इन हीज़ इल्नेस ही लॉन्ग टू हेयर अ मेलोडियस सॉन्ग जब वो बीमार था अपनी बीमारी में उसे बहुत ज़्यादा इच्छा हुई कि वो एक मीठा सा गाना सुने लॉन्ग मीन्स एंड वी हैव अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू हैव स्ट्रॉन्ग डिज़ायर ऑफ समथिंग किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा इच्छा करना मीन्स लॉन्ग और उसको बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही थी कि वो एक मीठा सा गाना सुने किसको राजा को म्यूजिक ही सेड क्या कहा उसने म्यूजिक प्रेशस गोल्डन बर्ड सिंग योर सॉन्ग विल मेक मी वेल अगेन और क्या कहता है इसको कि गोल्डन बर्ड तुम गाओ और तुम्हारा गाना मुझे फिर से ठीक कर देगा बट द बर्ड टूड स्टिल लेकिन बर्ड थी ऐसे विदाउट एनी मूवमेंट खड़ी थी इट वॉज़ वोन आउट इन साइड ये अंदर से ख़राब हो गई थी एंड देयर वॉज नो म्यूज़िक लेफ्ट इन इट और इसमें अब कोई भी म्यूज़िक नहीं था क्यों नहीं था बिकॉज इट वॉज़ एन आर्टिफिशल बर्ड ये तो एक जैसे टॉय होता है मशीन होती है तो ये भी मशीन टाइप्स थी इतनी बार इसमें की लगाने के बार बार की लगाने से ये ख़राब हो गई थी और इसमें कोई भी म्यूज़िक नहीं बचा था द एम्पर लॉन्ग फॉर म्यूज़िक बट द बर्ड कुड नॉट सिंग एम्पर को बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही थी म्यूजिक सुनने की लेकिन ये बर्ड जो थी जो गोल्डन बर्ड थी या गोल्डन नाइट इंगल थी वो गाना नहीं गा पा रही थी देन फ्रॉम द विंडो सडनली द मोस्ट लवली सॉन्ग वॉज हर्ड और फिर क्या हुआ अचानक से एक प्यारा सा गाना सुनाई दिया खिड़की से एक प्यारा सा गाना सुनाई दिया इट वॉज द लिटल लाइव नाइटिंग गेल दैट सैट आउटसाइड ऑन अ ट्री और ये कौन गा रहा था ये वही लिटिल लाइव नाइटिंग गेल थी जो फॉरेस्ट में वापस उड़कर चली गई थी जो कहाँ बैठी थी खिड़की के पास में जो ट्री था जैसे यहां दिखाया ना खिड़की के पास में ट्री इट हैड हर्ड ऑफ द एम्परस इलनेस इसने एम्पर की बीमारी के बारे में सुना था एंड हैड कम टू सिंग टू हिम और आई थी किस लिए एम्पर के लिए गाना गाने के लिए इट्स मोस्ट ब्यूटिफुल सॉ इसने बहुत ही सबसे ब्यूटिफुल सॉन्ग गायाज इट सेंग द एम्पर फेल्ट बेटर और जैसे ही इसने गाया एम्पर क्या फील करने लगा बेटर और क्या कहा एम्पर ने थैंक सेट द एम्पर और एम्पर ने इसको थैंक यू बोला और क्या बोला यू मस्ट ऑलवेज स्टे विद मी तुम्हें हमेशा मेरे साथ ही रहना चाहिए नॉट सो रिप्लाईट द नाइट इंग और नाइट इंगेल ने क्या रिप्लाई किया ऐसा नहीं है आई कै नॉट लिव इन अ पैलेस मैं पैलेस में नहीं रह सकती आई वेल कम एंड सिट ऑन द ट्री बाय द विंडो एवरी इवनिंग एंड सिंग फॉर यू मैं आऊँगी और तुम्हारी विंडो के सामने जो ट्री है मैं उस पर बैठ के हर शाम को एवरी इवनिंग मीन्स एवरी इवनिंग मीन्स हर शाम को गाना गाऊंगी आपके लिए बट यू मस्ट प्रामिस मी वन थिंग लेकिन आपको मुझे एक प्रोमिस करना होगा किसने कहा ये लाइव नाइट इंग्स किससे कहा राजा से क्या कहा कि ऐसा नहीं है मैं एक पैलेस में नहीं रह सकती मैं हर दिन आऊँगी आपकी खिड़की के पास में जो ट्री है उस पर बैठ के आपको हर शाम को गाना सुनाऊँगी लेकिन उसके बदले में आपको मुझे एक प्रॉमिस करना होगा एनीथिंग सेड सेट द एम्पर और एम्पर ने कहा कुछ भी मतलब तुम कुछ भी प्रॉमिस मुझसे ले सकती हो लेट एनीट नॉट एनी बर्ड लिव इन केज किसी भीज में मत रहने दो मतलब किसी भी बर्ड को के, में मत रहने दो द एम्पर स्माइल्ड एंड सैड एज यू विश माई नाइट इंगेल एम्पर ने क्या किया स्माइल किया और कहा कि जैसे तुम्हारी इच्छा द नाइट इंगेल फ्लू अवे हैप्पी ओनली टू रिटर्न द नेक्स्ट डे और जो नाइटिंगेल थी वो खुशी खुशी वापस उड़ गई और अगले दिन वापस आने के लिए और इस चैप्टर में से हमें क्या व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर दैट फ्रीडम गिव्स अस हैप्पीनेस आज़ादी हमें खुशी देती है ऑब्वियसली नो वन वांट्स कि वो फ्री ना हो उसको हम किसी में अगर हम किसी भी बर्ड को किसी भी एनिमल को केज में बंद करेंगे तो वो हैप्पीली नहीं रह सकते ना अगर हम हमें कहीं पे कोई बंद करेगा तो क्या हम हैप्पीली रह सकते हैं तो फ्रीडम इज द बर्थ राइट ऑफ एवरी लिविंग बींग सो वी आर डन विद दिस चैप्टर नाउ यू डू द क्वेश्चन आंसर्स बैक एक्सरसाइजेस ऑफ दिस चैप्टर आई एल सेंड द एडिशनल क्वेश्चन ऑल्सो फ्रॉम दिस चैप्टर ट्राई टू अटेम्प्ट दोज ऑल्सो एंड वंस यू आर डन आई एल सेंड द करेक्ट आंसर्स ऑफ दिस Of this back exercise, as well as additional questions, uh, additional questions to you. Fine.